हाल अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां आकाश शर्मा हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में उन्हें टिकट मिल सकता है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा। आकाश शर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से अपडेट आ रहा है, आज दोपहर तक कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। रायपुर के सभी पार्षद और छाया पार्षदों की बैठक बुलाई गई है। तो देखिए, आकाश शर्मा का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं दी गई। तो अब उपचुनाव होना है और दावेदारी भी इन्होंने पेश की है, पैनल में इनका नाम भी आया है। तो हो सकता है कि इस बार आकाश शर्मा को टिकट दे दी जाए। शिखर देवांगन हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, अब तक कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई है, उसी बीच एक नाम जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, आकाश शर्मा। कहा जा रहा है आकाश शर्मा को टिकट मिल सकता है। अगर हम पहले की बात करें तो इसके पहले भी इन्होंने जो चुनाव हुए थे 2023 में 2018 में दावेदारी पेश की थी, टिकट नहीं मिला था। क्या लगता है इस बार इनकी ये उम्मीद पूरी होगी? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर जो लगातार प्रत्याशियों की कवायद जो लगातार की जा रही थी, कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। लेकिन चर्चा हमेशा दो नामों को लेकर होती रही, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा। और जिस तरह से चर्चाएं लगातार हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि आकाश शर्मा जो है उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और इसी को लेकर लगातार चर्चाएं देखने को मिली है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, और इससे पहले जिस तरह से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली गई थी, उस न्याय यात्रा में सबसे आगे चलते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरह से 2018 और 2023 विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान भी उन्होंने विधानसभा चुनाव की टिकट की दावेदारी की थी। गुंडरदेही से वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनको टिकट नहीं दिया गया था। अब रायपुर दक्षिण उपचुनाव होने जा रहा है और रायपुर दक्षिण को लेकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी कि पैनल में नाम जो है कांग्रेस की ओर से एआईसीसी को भेजा गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, कोई ऐसा अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि लगातार बैठकें चल रही है, कल भी कहा जा रहा था कि भाई कल शाम तक सूची आ जाएगी, आज कब तक सूची आ सकती है? सुन पा रहे हैं आप शिखर? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि प्रमोद दुबे के नाम पर मोहर लगती है, आकाश शर्मा यहां से प्रत्याशी होते हैं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि दोपहर तक सूची आ जाएगी, अभी देखने वाली बात होगी।